Good morning. Welcome back. My today's topic is how to compare different countries or state. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और हम उसको नेशन डेवलपमेंट के राह पर है या नहीं वो कैटेगराइज कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से इनकम जो है वो एक डेवलपमेंट का सोर्स बन जाता है ना। अब बट इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शो करते हैं डेवलपमेंट को। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आपको कहीं पे जॉब मिल गई, इनकम बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर महीना आपको जॉब मिल गया, बट आपको वहां पर सिक्योरिटी नहीं है या आपको वहां पर फ्रीडम नहीं है काम करने का, फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है, आप बड़ी मुश्किल से 2 महीने निकाल पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे ऐसी जॉब। तो बहुत सारे फैक्टर्स इनकम के साथ जुड़े हुए हैं। बट क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कंट्रीज की, तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ये बताया गया है कि वो इनकम के आधार पे ही किया गया है। ठीक है, जैसे For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. हुआ ये कि जब कभी भी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की बात आती है तो उसकी इनकम को सबसे बड़ा सोर्स माना गया है कि जिस देश की इनकम ज्यादा है वो क्या है, डेवलप्ड है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर नेशनल इनकम की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। क्या है नेशनल इनकम? ये मॉनिटरी वैल्यू है। मॉनिटरी वैल्यू मीन्स जहां से प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, किससे निकलेगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, देश के अंदर जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उससे आने वाला मॉनिटरी वैल्यू जो है, स्पेशली वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जो एक साल मान लीजिए कि एक साल का जो वैल्यू या प्रॉफिट निकल रहा है तो उसको नेशनल इनकम की कैटेगरी में डाला गया है। पर कैपिटा इनकम, आपने सुन रखा है पर कैपिटा इनकम, पर है क्या वो आप समझिए। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। जब कभी भी नेशनल इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम मिलता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, आप मैथ्स में 96 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, आप सोशल के अंदर 98 स्कोर कर रहे हैं, आप मैथ्स के आप साइंस के अंदर ओवरऑल मान लीजिए कि 92 स्कोर कर रहे हैं और आप संस्कृत में 42 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको मैथ्स में कितने मिले अलग से, हाँ बेटा आपको सोशल में कितना मिला, आपको साइंस में कितने मिले, नहीं। वो सामने वाला व्यक्ति क्या पूछेगा, आपका परसेंटेज क्या रहा, शॉर्ट एंड सिंपल में पूछेगा। और क्योंकि संस्कृत 46 है आपके परसेंटेज क्या हो गए, डाउन। तो आप क्या कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है उससे जब डिवाइड करते हो तो आपको एक एवरेज स्कोर मिलता है ना, परसेंटेज मिलता है और आपको वो ही बताना होता है। सेम उसी तरीके से नेशनल इनकम चाहे कितनी भी हो, जितने पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करने के बाद एक एवरेज अमाउंट आपको मिलता है और वो अमाउंट कहलाता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। जरा आप समझिए, मैं कंपेयर कर रही हूं कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है, अपन दो एक काम करते, दोनों के इनकम ले लेते हैं। मान लीजिए ये 1 लाख, ठीक है, और ये 2 लाख, ठीक है, तो आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करोगे? नेचुरली कहा कंट्री बी में। क्यों? क्योंकि इसका नेशनल इनकम कितना आ रहा है भाई, 2 लाख। मैंने बहुत कम अमाउंट लिया है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंट्री है 1 लाख रुपए का ही इनका नेशनल इनकम कम है, तो ये नेशनल इनकम कम है तो यहाँ पर नेचुरली डेवलपमेंट नहीं होंगे, यही सोचोगे आप तो, है ना। और क्योंकि कंट्री बी 2 लाख है तो यहाँ तो डबल है,
नेशनल इनकम इतना ज्यादा है, मतलब डेवलपमेंट भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, यही सोचोगे। और इसीलिए आप बोलोगे कि अगर आपको कोई चॉइस है कहाँ रहना है तो आप बोलोगे कंट्री बी में, ठीक है। बट अब मैं बोल रही हूं कि कंट्री ए के अंदर दो मेंबर हैं, कंट्री बी के अंदर 10 मेंबर्स हैं, तो एवरेज इनकम कितना हो रहा है? यहां हो रहा है 50,000, यहां हो रहा है 20,000, है ना। इसका मतलब यहां पर 50,000, एक आदमी को 50,000 मिल रहा है एज ए इनकम, ठीक है, और यहां पर एक आदमी को मिल रहा है 20,000 एज ए इनकम। तो मुझे बताइए अब कि अब आप कौन से देश में रहना पसंद करेंगे, जहां पर इनकम 50,000 है या जहां का एवरेज इनकम 20,000 है। नेचुरली अब आप क्या बोलोगे, नहीं मैम हम कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे क्योंकि इनकम ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पर भले इनकम ज्यादा है बट पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। और ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये आपका है पर कैपिटा इनकम। तो हम नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं सोच सकते, हमें सोचना किससे पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम से, कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम क्या है, अच्छा है, ज्यादा है, वो देश डेवलप होने की कगार पे है। चलिए द टोटल, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, अब डेफिनेशन से समझते हैं। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। जब कभी भी किसी भी देश की इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो इनडायरेक्टली पर कैपिटा इनकम निकल आता है, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एवरेज इनकम, इसको और क्या बोला जाता है, एवरेज इनकम। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इस लेसन के अंदर एक मार्क के लिए 5-6 डेफिनेशन हैं, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन तो आएगी ही आएगी, तो वो दो, उनमें से दो डेफिनेशन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, तो आपको ये ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 क्या बन रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, तो आपको ये ही डेफिनेशन लिखनी है। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, तो आपको ये वाली डेफिनेशन फॉर्मूले तक लिखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए तो लर्न करिए इसको, वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।